गाइस बरेली तो मैं काफी बार आया बट आज तक बरेली सिटी नहीं आया, तो मैं आ चुका हूँ इस समय बरेली सिटी रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि आज बोर्ड हम करने वाले हैं बरेली से टनकपुर के लिए। तो एक स्पेशल DEMU ट्रेन चलती है उसको, ये ट्रेन डेली आपको मिल जाती है सुबह 7 बजे और इसको हम बोर्ड करेंगे और टनकपुर तक बिल्कुल एंड टू एंड जर्नी करने वाले हैं। बरेली सिटी से ही ऑरिजिनेट होती है ट्रेन और जाती है टनकपुर तक, डेली ट्रेन है। और इस समय आप जानते हैं टनकपुर में मेला वगैरह भी चल रहा है पूर्णागिरी माता का, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। तो ये पीछे आप मेरे देख सकते हो, ये है बरेली सिटी रेलवे स्टेशन, चलते हैं अंदर और एंट्री करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो ये है प्लेटफॉर्म 1 का व्यू, काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन। और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में हम आ चुके हैं अब नॉर्दर्न रेलवे से हटकर, और अब हम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में ही रहने वाले हैं बहुत देर तक। गाइज बात करें बरेली सिटी के बारे में, तो यहाँ पर चार प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था काफी ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, और रीजन है उसका, रीजन ये कि भाई बरेली पे ऑलरेडी इतना लोड है, A1 कैटेगरी का स्टेशन है, काफी ज्यादा कमाई करके रेलवे को देता है, जिसके चलते जो लोड है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो गाइस ये अपनी DEMU ट्रेन आ चुकी है, इधर आप देख सकते हो ये प्लेटफॉर्म पर लगा दी गई है, तो इसमें चलते हैं हम क्योंकि इससे ही हमें जाना है टनकपुर। तो गाइस ये वो DEMU ट्रेन जिससे हम जाने वाले हैं, और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन पे टनकपुर ये जा रही है, तो चलते हैं ठीक है, देखते हैं क्या होता है, सीट मिलती है नहीं मिलती है। बात करें आज हम जिस ट्रेन से ट्रेवल करने वाले हैं उसके बारे में, तो आज अपना जो ट्रेवलिंग है होने वाली 05321 ट्रेन है, जो कि डेली ऑपरेट होती है बरेली सिटी से और टनकपुर तक जाती है। टोटल 3 आवर 30 मिनट लेती है 14 हॉल्ट के साथ, और 34 के एवरेज से ये जो अपनी जर्नी वो कंप्लीट करती है। अब देखते हैं आज कितना लेट पहुंचती है मुझे, इसके बाद में एक और कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ेंगे, अगर ये लेट होती है तो भाई पूरा टूर खराब हो सकता है। तो गाइस आप देख सकते हैं 7 बज चुके हैं और बिल्कुल निर्धारित टाइम से अपने DEMU ट्रेन निकल चुकी है बरेली सिटी के प्लेटफॉर्म 2 से, और 3 से भी निकलेगी तब भी कोई फर्क आपको पड़ेगा नहीं, क्योंकि 2 और 3 बिल्कुल जॉइंट प्लेटफॉर्म है। बाकी दोस्तों बात करें बरेली सिटी के बारे में, तो ये आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, ऑपरेट करता है इज्जत नगर डिवीजन। तो गाइस हम निकल चुके हैं फाइनली बरेली सिटी से, 167 अबव द सी लेवल, और 3 ही प्लेटफॉर्म है फाइनली, 50 का कॉशन। और दोस्तों अगर आप जो सामने वाले ट्रैक देख रहे हैं ना, ये जो बरेली सिटी लिखा है इसके जस्ट इधर वाले ट्रैक, तो उधर शायद एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए 4 प्लेटफॉर्म थे, या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। तो ये जो सामने आप ट्रैक देख रहे हैं ना, वो है बरेली नॉर्दर्न रेलवे वाले जो कि मुरादाबाद से आ रहे हैं। तो यहाँ से अब ट्रेन निकलती है ना, बड़ी हॉन्क करती हुई निकलती है, जो दोनों ट्रैक आप सामने देख रहे हो ना, ये वाले, ये दोनों ही ट्रैक आगे वाले, इसके जस्ट आगे वाले, वो दोनों ही ट्रैक मुरादाबाद से आ रहे हैं। गाइस आप देख सकते हो कितना बढ़िया व्यू है, बराबर में रोड और इधर अपनी ट्रेन, ऐसा व्यू काफी कम देखने को मिलता है, बट जब भी देखने को मिलता है काफी बढ़िया लगता है। सो फाइनली गाइस अराइवल हो रहा है इज्जत नगर, और ये इज्जत नगर पर बिल्कुल रिसेंटली खुला है रेल कैफे डी कोना, काफी बढ़िया है ये, लेकिन अभी मैं फिलहाल जा नहीं पाऊंगा इसके अंदर, अगर बिल्कुल पीछे वाले कोच में तो जरूर जाता था रेल कैफे में, बट अभी क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। और भीड़ देखिएगा दोस्तों काफी ज्यादा है इस ट्रेन के लिए। सो गाइस आप देख सकते हैं ये है इज्जत नगर रेलवे स्टेशन, टोटल यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है, हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म 1 पर। गाइस करंटली यहाँ पर 42 ट्रेन का स्टॉप देखने को मिलता है, 2 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी यहाँ से होती है। फिलहाल यहाँ पर ट्रेन बिल्कुल टाइम से आई है। इज्जत नगर के बारे में बात करें तो ये अपने आप में डिवीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इसको ऑपरेट करता है, या फिर कहें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आता है। मेन बात दोस्तों ये है कि आपको पता ही है जब कैलगो ट्रेन आई थी ना, तो सबसे पहले आई थी इज्जत नगर वर्कशॉप में, वहाँ पर आने के बाद में फिर ट्रायल्स हुए थे मुरादाबाद बरेली सेक्शन पर, तो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसी तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी यहाँ पर आ चुकी है, जब बिल्कुल पहली बार बनी थी, जब उसका नाम था T18, तो ये खास बात है इसके लिए। तो गाइस 7:15 टाइम है डिपार्चर का, और देखो 7:15 पे बिल्कुल डिपार्चर हो चुका है। ये लिए भी
तो गाइस ये है श्री सिद्धिविनायक, जहाँ पर आपको अगर बरेली कभी भी आपने एग्जाम सेंटर फिल किया होगा ना तो यहाँ जरूर आपको आना पड़ा होगा, और अभी भी कोई एग्जाम चल रहा है। तो अगर आपको यहाँ बाई ट्रेन आना है ना तो बरेली से, बेसिकली बरेली सिटी रेलवे स्टेशन से आपको दोना के लिए ट्रेन पकड़नी होगी जो कि यही वाली है, और यहाँ पर पहले कभी लेवल क्रॉसिंग थी बट अभी यहाँ पर बन चुका है अंडरपास, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और ये है सामने सिर्फ सिद्धिविनायक, जहाँ पर काफ़ी सेंटर आते हैं। फाइनली बिल्कुल टाइम से आ चुके हैं दोहना रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन को DOX, टोटल दो ही प्लेटफॉर्म है, अब 1 या 2 कुछ भी मान सकते हो जिस पर भी मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर कुल मिला के 18 ट्रेन का स्टॉप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है देखा जाए तो, क्योंकि बीच में जब कोविड था ना उससे पहले यहाँ पर ट्रेन रुकती नहीं थी, पता नहीं क्यों, बट कोविड के बाद में ट्रेन चली तब भी नहीं रुकती थी, बट अब यहाँ पर रुक रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नहीं, अगर आपको सिटी सिद्धिविनायक आना है ना तो आप इस तरीके से आ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ऑटो ही प्रीफर करना बरेली से, अदरवाइज आप फंस सकते हो, मतलब आपका जो एग्जाम वगैरह वो छूट सकता है। खैर, इसके बाद में हम पहुंचेंगे भोजीपुरा जंक्शन, जिसके बाद में एकदम नया रूट मेरे लिए स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मैं भोजीपुरा से इज्जत नगर तो कई बार आ चुका हूँ, कई बार नहीं, शायद 2 बार आ चुका हूँ। और गाइस आप जो सामने हाईवे देख रहे हैं ना, ये है बरेली नैनीताल हाईवे, नेशनल हाईवे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बरेली से नैनीताल आप इसकी मदद से लगभग आई थिंक दो से ढाई घंटे में बड़े आराम से पहुंच सकते हो। कह रहा अभी पेड़ आ गए तो सही नहीं दिख रहा, थोड़ी देर में जब आएगा ना भोजीपुरा तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो गए तो हम पहुंच रहे हैं भोजीपुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर, कौन सा स्टेशन है भोजीपुरा, भोजीपुरा पहुँच गए स्टेशन है। तो मैं ये बोल रहा था, देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने आराम से दिख रहा होगा आपको। तो ये है बरेली नैनीताल नेशनल हाईवे, जो कि काफी बढ़िया 4 लेन है, जिसके चलते आप इजीली नैनीताल पहुंच जाते हो बरेली से। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं भोजीपुरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BPR। टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, तीसरे प्लेटफॉर्म पर अभी हम आए हैं, और बड़ी बात है यार ट्रेन बिल्कुल टाइम से चल रही है, मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना मजा आता है जर्नी करने में, क्योंकि थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप भी ठीक है टाइम से पहुंच सकते हैं। खैर, यहाँ तक भोजीपुरा जंक्शन अब क्यों बन जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक ट्रैक जहाँ हम आ रहे हैं इज्जत नगर से वो निकल जाता है, एक ट्रैक यहाँ से निकल जाता है सीधा लालकुआ के लिए, और एक ट्रैक जिस पर मैं अब पहली बार जाने वाला हूँ जो जाएगा पीलीभीत जंक्शन के लिए, और पीलीभीत जंक्शन भी बनता है आगे जाके वो मैं आपको पीलीभीत पर ही बताऊंगा। तो फिलहाल इसलिए इसको जंक्शन बोला जाता है क्योंकि यहाँ से 3 ट्रैक निकल जाते हैं, चलते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ 2 मिनट का ही स्टॉप है, ज्यादा यहाँ पे स्टॉप नहीं है। सो गाइस फाइनली हमारा डिपार्चर हो चुका है भोजीपुरा जंक्शन से, यहाँ पर टोटल 32 ट्रेन का स्टॉप हमें देखने को मिल जाता है करंटली। खैर, अब अपनी जो ट्रेन है वो राइट में टर्न कर जाएगी, क्योंकि जो सीधे ट्रैक है वो निकल जाते हैं लालकुआ के लिए। तो अब हम यहाँ से देखो टर्न कर चुके हैं भोजीपुरा से पीलीभीत की तरफ, तो अभी मैं आपको वो दोनों ही पॉइंट दिखा दूंगा, यानी कि जो जंक्शन पॉइंट है वो दिखाता हूँ। तो गाइस आप जो ये लेफ्ट वाले ट्रैक देख रहे हैं ना, ये निकल जाता है लालकुआ, और फाइनली अब हम मुड़ चुके हैं पीलीभीत की तरफ। तो मेरे लिए एक नया रूट है, तो मुझे भी काफी ज्यादा इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि भाई नए रूट पे ट्रेवल करने का मजा ही कुछ और होता है। हालांकि यहाँ पर भी स्पीड ज्यादा नहीं है, बस ट्रेन 80 तक ही पहुंच रही है, इससे ऊपर नहीं जा रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टर्न हमें देखने को मिलता है जब ट्रेन भोजीपुरा से निकलती है।
देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कितने पास में गांव, मतलब एकदम गांव है ये छोटा सा, और कितना बढ़िया बच्चे भी खुश है ट्रेन देख के। और ये देख सकते हैं भाई साहब बढ़िया है रूट, मतलब ऐसे रूट देख के मजा आ जाता है। खैर अभी हम पहुंच चुके हैं दिबनापुर रेलवे स्टेशन पर, और पहुंचते ही हम चल भी चुके हैं, हॉन्क कर दिया है डीएमयू ट्रेन ने, डीएमयू ने। टोटल यहां पे एक ही प्लेटफॉर्म है जो आप ये देख रहे हो, टोटल 10 ट्रेन का स्टॉप आपको यहां देखने को मिल जाता है, जिसमें एक अपनी वाली ट्रेन भी है। अपनी एक्सपीरियंस काफी बढ़िया, अभी तक टाइम हो चुका है 7:48, देखते हैं भाई टाइम से पहुंचते नहीं पहुंचते, मेन बात बस ये। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं सैथल रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन कोड STH, दो ही प्लेटफॉर्म है और टोटल 12 ट्रेन का स्टॉप देखने को मिलता है। मेन बात भाई ये है कि ये सब यार कभी मीटर गेज हुआ करता था और वो मैंने मिस कर दिया, पता नहीं कैसे, मतलब बहुत छोटा था मैं, वरना मैं आ जाता। अगर इस कंडीशन में होता ना कि मैं अकेला आ सकता है, अलाउड करते पेरेंट्स, तो मैं जरूर इसको कवर करता जब ये मीटर गेज था, क्योंकि हाल फिलहाल में ये ब्रॉड गेज हुआ है। और पहले मतलब मीटर गेज पे ऐसा नहीं है कि ट्रैवल नहीं किया, मैंने किया, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था तो मुझे पता नहीं कुछ भी कैसे। जब मैं कभी टनकपुर गया था तब मैंने मीटर गेज पे ट्रेन ट्रैवल किया था, वो भी पेरेंट्स के साथ। खैर अब मैं अकेला जा रहा हूँ और ब्रॉड गेज पे जा रहा हूँ। तो गाइस अभी पता लगा है कि भाई 05386 जो कि पीलीभीत बरेली पैसेंजर ट्रेन है, और बेसिकली पैसेंजर ही है यार, पैसेंजर ही निकलता है मुंह से, भले ही एक्सप्रेस का टैग लग गया है, बट वो जो ट्रेन है आ रही है क्रॉसिंग होनी है, सिंगल लाइन सेक्शन है बट इलेक्ट्रीफाइड है, जिसके चलते अभी अपनी ट्रेन रुकी है, आती है तो उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं, फिर देखते हैं भाई किसको पहले डिपार्चर मिलता है। तो गाइस पहले डिपार्चर मिला है बरेली वाली को, और इसके साथ अपनों को भी डिपार्चर मिल चुका है सेम टाइम। इस क्रॉसिंग की वजह से हम काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, टाइम हो चुका है 8:17, तो काफी ज्यादा टाइम लगा दिया इस क्रॉसिंग ने, इसका मतलब ये है कि आगे कोई भी लूप लाइट नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी लूप लाइट होती ना तो मुझे पूरा ये कहता कि हमें थोड़ा और आगे ले जाया जाता, क्योंकि ट्रेन को बहुत देर रोका गया है यहाँ पर, और ट्रेन जो मैं ट्रैक कर रहा था ना वो भी बहुत ज़्यादा पीछे थी, यानी कि मुझे ऐसा लगता है अब पीलीभीत तक किसी भी स्टेशन पर लूप लाइट नहीं है इस सैथल के अलावा। अभी हम पहुंच चुके हैं बिजोरिया रेलवे स्टेशन पर, दो प्लेटफॉर्म है, टोटल 12 ट्रेन का स्टॉप देखने को मिलता है, लेकिन दिक्कत ये है कि जब से बरेली सिटी से निकले हैं तब तक कुछ भी किसी भी स्टेशन पर ना ही खाने पीने का, ना ही पीने के लिए कुछ मिल रहा है। तो मतलब यही है कि आप बरेली सिटी से ही खाने का या फिर जो पानी की बॉटल है वो तो डेफिनेटली ले लेना, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। अब देखते हैं पीलीभीत पर कुछ मिलता है नहीं मिलता तब जाके पता लगेगा, बट अभी तक इस जितने भी स्टेशन है एटलीस्ट भोजीपुरा पर तो कुछ मिलना चाहिए था, बट वहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो बस इनका आप ध्यान रख सकते हैं, जो सेक्शन है अभी बहुत ज़्यादा मतलब खाने पीने से बहुत ही दूर है।
तो गाइस अपना डिपार्चर हो रहा है शाही रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर टोटल 2 प्लेटफॉर्म है और 12 ट्रेन्स का स्टॉप देखने को मिल जाता है। हालांकि इस सेक्शन पर जब जनशताब्दी ऑपरेट होती है ना, वो तो डायरेक्ट इज्जत नगर शायद रुकती है, इज्जत नगर से डायरेक्ट पीलीभीत रुकती है। तो गाइस आप देख सकते हो 8:52 हो रहे हैं, 8:55 का टाइम था, 3 मिनट पहले आ गए, 5 मिनट का स्टॉप है, तो 8 मिनट हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। ये है पीलीभीत जंक्शन। बात करें पीलीभीत के बारे में तो इसका स्टेशन कोड है PBE। टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, 14 ट्रेन यहाँ पर स्टॉप करती है, 11 और ट्रेन का टर्मिनेट भी होती है। काफी बड़ा जंक्शन है या फिर कहें काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कभी कभी मीटर गेज की ट्रेन भी आया करती थी, तो कितना अलग था, बट अभी पूरा ब्रॉड गेज हो चुका है। यहाँ से एक ट्रैक निकल जाता है टनकपुर के लिए, जिस पर अभी हम जाने वाले हैं। एक ट्रैक निकल जाता है शाहजहाँपुर के लिए, जिस पर जाऊँगा मैं, क्योंकि वो मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है, तो मेरा मन है उस सेक्शन को भी कवर किया जाए। और एक सेक्शन जिस पर से अभी हम आ रहे हैं, जो कि है हमारा पीलीभीत भोजीपुरा वाला, तो इस तरीके से जो जंक्शन है वो बन जाता है। पीलीभीत पर आपको खाने पीने के जो स्टॉल है वो मिल जाएंगे, यानी कि अगर आप बरेली सिटी पर कुछ लेना भूल जाते हो तब आपके लिए एक ऑप्शन बचता है, जो कि पीलीभीत। मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या मिल रहा है और आपको भी दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपको ये छोटे मोटे स्टॉल देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर रियल नीर तो नहीं देखने को मिलेगा, पता नहीं कौन सा वाटर है, जो आपको 20 रुपए में ही पकड़ाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर समोसे मिल जाएंगे जो कि तेल से भरे हुए हैं, और ब्रेड पकौड़े मिल जाएंगे, आपको पॉपकॉर्न मिल जाएंगे, आप पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं। हालांकि गंदगी ना फैलाएं, बस यही कहूंगा, भले ही आप पॉपकॉर्न खाएं। और गाइज यहाँ पर एनालॉग क्लॉक देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, बहुत कम ही देखने को मिलती है किसी भी स्टेशन पर। तो गाइस पीलीभीत पे आपको वेटिंग रूम तो मिलता ही मिलता है सामने का, और डॉर्मेट्री भी मिल जाती है जो कि सामने की, और साथ ही साथ आपको रिफ्रेशमेंट रूम मिल जाएगा जो कि पूरा बैच है, 50 रुपए की थाली यहाँ पे मिलती है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, इन्होंने मुझे पता नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया, ये पूर्वोत्तर रेलवे लिखा हुआ है ना, ये अब ट्राई किए कर रहे बिना जज नहीं कर सकते, तो यही बात है। फिलहाल ट्रेन हमारी निकल गई है, 2 मिनट लेट। तो गाइस फाइनली डिपार्चर हो चुका है पीलीभीत जंक्शन से, अब हम मुड़ जाएंगे लेफ्ट टनकपुर की ओर, जबकि राइट में जाता है ट्रैक शाहजहाँपुर की ओर, जहां तक मुझे ध्यान है। अब देखते हैं क्या होता है। मुड़ चुके हैं लेफ्ट, आप देख सकते हैं टनकपुर वाली लाइन पर, और आप दोस्तों ये जो राइट में देख रहे हैं ना, ये वाले ट्रैक निकल जाते हैं शाहजहाँपुर की तरफ बीसलपुर होते हुए। तो इस तरीके से ये जंक्शन पॉइंट बन जाता है। इतनी बेकार आ रहे थे ट्रैक की, बहुत ज्यादा भाई साहब, बहुत ज्यादा ही रेलवे चलती है। क्रॉसिंग होने वाली है त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ में, और भाई साहब गर्मी मजा आ गया। सुबह सामने आ रही है त्रिवेणी एक्सप्रेस, और इसको भी रेड सिग्नल मिला हुआ है, भले ही मेन लाइन पर है लेकिन अब ग्रीन हो चुका है, तो फाइनली अब ये निकलेगी नॉन स्टॉप। द
WAP4 कवच इनेबल्ड विजयवाड़ा से हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कोच और बड़ी खटीमा पर आधी से ज्यादा ट्रेन खाली हो चुकी है। काफी बड़ा स्टेशन है इसका मतलब यहाँ पर काफी लोग उतरते हैं। तो बात करें खटीमा के बारे में तो स्टेशन कोड KHM है। टोटल 22 ट्रेन का स्टॉप देखने को मिल जाता है, दो ही प्लेटफॉर्म है और अभी सिर्फ 10 बजे हैं, 10:08 हो चुके हैं। ट्रेन लेट है थोड़ी सी, लेकिन भाई साहब गर्मी ने तो वाट लगा दी। अभी जो साइड में पिलर्स देख रहे हो ना, ये थे मीटर गेज के लिए। तब यहाँ पर मीटर गेज के लिए ट्रेन थी ना, तो उसी के पिलर्स है। फिलहाल अब तो ब्रॉड गेज हो चुका है, लेकिन बस जितने ही ब्रिज है ना उनके अभी पिलर्स बचे हैं। रेलवे स्टेशन पर स्टेशन कोड BNSA और यहाँ पर भाई साहब दो ही प्लेटफॉर्म है, 12 ट्रेन का स्टॉप है और 10:30 हो चुके हैं। ये ट्रेन का टाइम था टनकपुर का, बट अभी हम बनबसा ही पहुंचे हैं। बट इसके बाद में जो स्टेशन है हमारा वो टनकपुर ही है, जहाँ ट्रेन टर्मिनेट हो जाएगी और वो एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन भी है। और उससे आगे भाई अभी तो फिलहाल लाइन नहीं जाती, बट हाँ एक लाइन प्रपोज है, वो मैं आपको वहीं पर ही चलकर बताऊंगा। अब 9 किलोमीटर का नॉन स्टॉप टाइम बचा है, जिसके लिए 20 मिनट का टाइम दिया गया है, बट ट्रेन लेट है। और अब ये फिर से बताएंगे, ये अच्छी सुविधा है क्योंकि अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हो ना तो आपको पता रहेगा कि कौन सा स्टेशन आ रहा है और कौन सा डेस्टिनेशन है इस ट्रेन का। तो ये काफी बढ़िया सुविधा है, ये पैसेंजर ट्रेनों में खासतौर पर होनी चाहिए। बट मैं यही कहूँगा जो DEM ट्रेन होती है वो कम्फर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होती। इससे बड़े जो हमारी पुरानी पैसेंजर ट्रेनें होती थी ना वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उसमें आराम से आप लेट भी सकते हो और मतलब जो बैठने के लिए सही रहता है। यहाँ पर बैठने के लिए सीटें इतनी बढ़िया नहीं है और खाई सपोर्ट भी नहीं है, मतलब जो पतली पतली सीटें हैं तो इतना बढ़िया नहीं लगा मुझे। कृपया ट्रेन से उतर जाएं। यह इस रूट का आखिरी स्टेशन है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि कृपया ट्रेन से उतर जाएं। टेन फोर्टी थ्री, यानी कि हम आए हैं टोटल 13 मिनट लेट। समय से 13 मिनट लेट हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जो कि है टनकपुर स्टेशन को TPU। टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म 2 पर अपनी ट्रेन आई है, 3 पर ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी है जो कि पैसेंजर ही है, और 1 से थोड़ी देर में यहां से जाएगी पूर्णागिरी जनशताब्दी जो कि बाया मुरादाबाद जाती है, आप सब जानते ही हैं।
तो फिलहाल दोस्तों ये जर्नी ही खत्म हो जाती है। उससे पहले टनकपुर पर टोटल आपको इस समय 11 ट्रेन देखने को मिल जाएंगे, यानी 11 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है और 11 ही टर्मिनेट हो रही हैं। तो अगर आपको टनकपुर आना है तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस जर्नी में इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, पता भी नहीं लगता कि कितना हम चल जाते हैं। आ चुका हूँ स्टेशन के बाहर, तो यही स्टेशन का बाहर है, स्टेशन का बाहर का व्यू तो काफ़ी बढ़िया है। तो देख सकते हो आप मेरे पीछे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। टनकपुर पर फाइनली आ चुके हैं। अब आपको अगर पूर्णागिरी जाना है, मेन बात टनकपुर लोग इसलिए ही आते हैं क्योंकि उनको पूर्णागिरी जाना होता है। तो जब आप टनकपुर रेलवे स्टेशन पर उतरोगे ना ट्रेन से, तभी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपसे पूछते रहेंगे पूर्णागिरी चलना है, पूर्णागिरी चलना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उनके साथ जो डील है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी टैक्सी लेके जाते हैं। तो इसलिए आपके पास लगभग 10 लोग तो होने ही चाहिए, मतलब 7-8 लोग तो होने चाहिए तभी आप जा पाओगे, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं अगर आपको खड़गपुर से जाना है पूर्णागिरी के लिए। और अगर वैसे कैसे जाना है तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आप कैसे जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहला तरीका बता दिया जिसमें स्टेशन पर ही, यानी कि प्लेटफॉर्म पर ही आपको पता लग जाएगा कि मतलब कोई आ जाएंगे कुछ लोग पूछना, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस उनसे आपको डील करनी है, उस तरह से आपको काम करना है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को आप देखेंगे, तरीका मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक मैं टेक केयर ऑल।